The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. आवेदन के बाद भी सुनवाई अगर नहीं होती तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा ईंट भट्टे वाले को, यह बात देवेंद्र सिंह चावड़ा द्वारा बोली गई। राम सेवक खेड़ी में ईंट भट्टा संचालकों द्वारा ग्रीन बेल्ट में किए जा रहे अवैध उत्खनन और भूमि विरूपण प्रदूषण रोकने को लेकर ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर अवगत कराया। उनका कहना है मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम को पूरी तरह ताक पर रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोबारा नदी किनारे खनन पर लगे प्रतिबंधों को धता बताते हुए जनसदी की तहसील उज्जैन के हल्का आलमपुर उड़ाना के ग्राम सेवक खेड़ी में ईंट भट्टा संचालकों द्वारा अवैधानिक रूप से ग्रीन बेल्ट में उत्खनन किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और कई बार ज्ञापन देने के बाद भी जिला कलेक्टर ने ग्रामवासियों की आवाज नहीं सुनी। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। ये बताइए, आज कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला? आज हम सेवरखेड़ी गांव के सभी वशिष्ठ लोग हैं और हमने इसलिए ज्ञापन दिया है कि हमारे गांव में जो पिछले वर्ष से 8 वर्ष से भट्ठे संचालन का पट्टा दिया है सरकार ने, लेकिन अब वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब ईंट बनाने के लिए दिया है लेकिन वो खुदाई कर रहे हैं, मतलब 10-10 फीट गड्ढे हो गए, अंदर गहरे गड्ढे हो गए हैं, उससे नदी का पानी बाढ़ के पानी आता है, इसलिए हम ज्ञापन देने आए हैं। लेकिन हमने ज्ञापन भी 4 से 5 बार दे दिए, तहसील में दे दिए, थाने में दे दिए, कलेक्टर साहब को दे दिए, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उचित कार्रवाई। अगर ये लास्ट आवेदन है, अगर अब नहीं होगा तो मैं कानून हाथ में लूँगा और उनको सबको भट्टे वालों को भगा भगा के मारूँगा, और गाँव वाले हम सब साथ में हैं और आगे कुछ भी होगा तो प्रशासन जिम्मेदारी रहेगी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह चावड़ा।